नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आईएसओ 14001:2015 ईएमएस पर प्रमुख लेखा परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ। एमएस वर्ड और पावर पॉइंट पर कार्यक्रम का आयोजन। और राउरकेला स्टील प्लांट की मुक्केबाजी टीम ने शहर को गौरवान्वित किया। अब समाचार विस्तार से। आईएसओ 14001:2015 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली पर लीड ऑडिटर के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीआई में 23 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उप महाप्रबंधक सीपीटीआई श्री एस महंती तथा उप महाप्रबंधक प्रभारी बी श्री डी शतपति भी मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर मेसर्स बीवीआईएल कोलकाता के श्री सुब्रत मजुमदार और शिव पांडे भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में आरएसपी के विभिन्न विभागों के 20 आईएसओ प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जिसमें एक एमटीआई रांची भी शामिल है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने पर्यावरण नियमों के प्रकाश में ईएमएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और सभी को सेट नियमों को 100% अनुपालन करने का सुनिश्चित प्रयास करना चाहिए। लेखा परीक्षकों ने 5 दिन के कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा भी प्रदान की और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में आयोजित किए जाने वाले परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रतिभागियों को एक दूसरे को अधिक प्रभावित करने का आग्रह किया। प्रारंभ में उप महाप्रबंधक सीपीटीआई श्री सागर महंती ने जनसमूह का स्वागत किया। उप महाप्रबंधक प्रभारी बी श्री डी शतपति ने धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सहायक महाप्रबंधक बी सुश्री मुनमुन मित्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि नई आईएसओ 14001:2015 द्वारा लाई गई कानूनी आवश्यकताओं में बदलाव के साथ प्रमुख लेखा परीक्षकों को तैयार करने और आईएसओ 14001:2004 के पूर्व संस्करण से संक्रमण करने के लिए एक सरल प्रक्रिया बनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने कर्मचारियों की संचालन की डिजिटल दक्षता को बढ़ाने के लिए एचआरडी सेंटर में 11 से 14 अक्टूबर तक एमएस वर्ड और पावर पॉइंट पर एक 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरएसपी के विभिन्न विभागों से कुल 21 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सैद्धांतिक जानकारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस वर्ड ऑपरेटिंग, ऑब्जेक्ट्स, टेबल, हेडर फूडर, ड्राइंग टूल्स तैयार करना, ग्राफ तैयार करने, मेल मर्ज, पृष्ठ सेटअप, प्रिंटिंग, पावर पॉइंट प्रस्तुति, फॉर्मुलेशन, एनिमेशन और ट्रांजिशन के आधार पर प्रदान किए गए थे। इन सैद्धांतिक आदानों में से प्रत्येक को एक व्यावहारिक सत्र के साथ पूरक बनाया गया था, जिसके बाद परीक्षण की समाप्ति की गई थी। इस सत्र को SMM2 के श्री डीपी दास, श्री डी महंती, श्री ए के जैना, श्री पीपी के पात्र, एचआरडी के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर श्री पी के दास तथा नई प्लेट मिल के SOST श्री SN दास ने आयोजित किया। सहायक प्रबंधक एचआरडी श्रीमती अन्नपूर्णा बेहरा ने एचआरडी के तकनीशियन श्री डी पुरान के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट की बॉक्सिंग टीम ने 15 से 17 अक्टूबर तक ब्रह्मपुर में आयोजित ओडिशा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत हासिल की। इस चैंपियनशिप में ओडिशा के 9 जिलों से उभरते युवा मुक्केबाजियों ने भाग लिया।
महाप्रबंधक टीए श्री एन के सामंतराय ने 21 अक्टूबर को हॉकी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में अपने उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए चैंपियनों को सम्मानित किया और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने हेतु आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। उन्होंने प्रत्येक प्रयास में एक महान सफलता और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक पीएच एवं एसडब्ल्यू श्री हीरालाल महापात्र, क्रीड़ा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एवं शुभचिंतक उपस्थित थे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि शार्प जूनियर श्रेणी में श्री राहुल नाइक, श्री शानू नाइक और श्री आदित्य नाइक ने 3 स्वर्ण पदक जीता। जूनियर महिला वर्ग में कुमारी संयुक्ता तिर्की और कुमारी प्रियंका मुनिया ने गोल्ड मेडल जीता। वरिष्ठ पुरुष वर्ग में श्री राम मांझी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि श्री जेबी किन्नो ने रजत पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ महिला वर्ग में तीसरे स्थान पर रश्मिता महानंदिया और सुलेचना मुखी ने कांस्य पदक हासिल किया। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विजेता आरएसपी के बॉक्सिंग सेंटर के खिलाड़ी हैं और वे नियमित रूप से विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के तत्वाधान में अभ्यास कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।